जय हिंद दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी के प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है और यह इस सेक्शन का तीसरा वीडियो है। हमारे पास प्रॉब्लम है कि टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन प्लस टैन थीटा बाई सेक थीटा प्लस वन इक्वल टू टू कोसेक थीटा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो LHS के रूप में हमारे पास है, ये पूरा सेक्शन LHS के रूप में है, तो हम टैन थीटा को टैन ही थीटा लिखते हैं, ठीक है। और नीचे सेक थीटा माइनस वन और सेक थीटा प्लस वन है, तो नीचे वाले सेक्शन का जब हम LCM लेंगे तो हमें ये कुछ मल्टीपल के रूप में ऐसे आ जाएगा, यानी सेक थीटा प्लस वन सेक थीटा माइनस वन, यानी सेक थीटा माइनस वन सेक थीटा प्लस वन। तो सेक थीटा माइनस वन से ये सेक्शन कैंसिल, ये बचा, इसका इसके साथ गुना हो जाएगा सेक थीटा प्लस वन। ठीक उसी तरह से यहाँ हमें सेक थीटा माइनस वन आ जाएगा। अब इस दोनों सेक्शन के पास कॉमन क्या है कि दोनों के पास टैन थीटा कॉमन है, तो टैन को जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा सेक थीटा प्लस वन और यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि सेक थीटा माइनस वन, कम्प्लीट। और यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर सेक थीटा एक प्लस के रूप में है, एक माइनस के रूप में, एक प्लस के रूप में, यानी हम इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यानी ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, हमें स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है, वन से वन कैंसिल, तो हमें मिलेगा टैन थीटा इंटू टू सेक थीटा। बट यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, हमें फार्मूला मिलता है कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, हमें मिलता है टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ एक टैन है, यहाँ दो टैन है, एक टैन कैंसिल, तो ऊपर बचा हमें टू सेक थीटा बटे नीचे बचा हमारे पास टैन थीटा, क्लियर है। एक स्टेप और, अब क्या करेंगे, इस सेक को जब नीचे लाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में, इंटू जब इस टैन को जब हम ब्रैक करेंगे तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के रूप में टूटेगा, यानी साइन थीटा नीचे, ठीक है, कुछ इस तरह से ये टूटेगा कि टैन थीटा हमें मिलता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा यहाँ और कॉस ऊपर मल्टीपल के रूप में आ जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, तो हमें बचा टू साइन थीटा। अब साइन थीटा जब ऊपर जाएगा तो ये कोसेक के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस तरह से LHS RHS के बराबर हमें मिल गया, इस तरह प्रूव होता है। अगला सवाल है हमारे पास कि सेक थीटा माइनस वन सेक थीटा प्लस वन बराबर टू साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर ऊपर है, तो LHS के रूप में हमारे पास, ठीक, फिर से ये पूरा पूरा का पूरा सेक्शन है। इस सेक को कन्वर्ट करते हैं कॉस थीटा के रूप में माइनस वन बटे, इससे सेक को भी कन्वर्ट करते हैं कॉस के रूप में प्लस वन, जब हम इसका ऊपर वाले सेक्शन का जब LCM लेंगे तो ये हमें आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, तो वन माइनस कॉस थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है, फिर से उसी तरह से इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन, वन प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा हमें मिल जाएगा, ठीक है। एक स्टेप और, वन माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू ये ऊपर आ जाएगा, यानी इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और इस सेक्शन का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो वन प्लस कॉस थीटा, इससे ये पूरा का पूरा सेक्शन कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास बचा कि वन माइनस कॉस थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा, कंप्लीट है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि हमें आंसर शीट में वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर चाहिए, यानी वन, ये हमें पूरा पूरा का पूरा सेक्शन दो टाइम्स चाहिए, तो ऊपर नीचे इस सेक्शन को हम लोग रेशनलाइज करते हैं, यानी ऊपर वाले सेक्शन को हम लोग इसके अपोजिट साइड से गुना करेंगे, क्योंकि कटने के बाद फिर से हमें वन ही मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको जब हम गुना करेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, हमें मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे, ये हमें मिल जाएगा वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कम्प्लीट। फिर से वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूला से हमें मिलता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये टर्म जस का तस हमें मिल जाएगा कुछ इस फॉर्म में। तो इस तरह से हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट हुआ, तो लिखेंगे लास्ट में LHS इज इक्वल टू RHS, कम्प्लीट। अगला सवाल हमारे पास है कि टेन थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉट थीटा बाई वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, सिद्ध करके दिखाना है कि यह साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के एक बराबर होगा। तो LHS फिर से लेते हैं, LHS में हमारे पास ये पूरा का पूरा सेक्शन है,
तो इस टेन थीटा को फिलहाल टेन थीटा ही लिखते हैं। फार्मूला से 1 + tan² θ हमें मिलता है सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस फिर से कॉट को कॉट ही रहने देते हैं, 1 + cot² θ, फार्मूला से हमें मिलता है कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला स्टेप। अब क्या होगा कि इस टेन को टेन ही फिलहाल अभी लिखते हैं, बटे टेन थीटा, इस सेक स्क्वायर थीटा पावर से जब इसका गुना होगा तो ये हो जाएगा सेक 4θ इंटू कॉट थीटा, तो वैसे ही रहेगा, और इसका जब गुना होगा तो ये भी सेम टू सेम सेक 4θ के रूप में हमें मिल जाएगा। अगला स्टेप है कि ये सेक जब ऊपर जाएगा तो साइन के रूप में जाएगा, और टेन को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू, ये सेक जब ऊपर जाएगा तो ये कॉस के रूप में टूट जाएगा इंटू के, सॉरी यहाँ पर ऐड का साइन, प्लस प्लस हमें फिर से ये कॉट जब टूटेगा, कॉट टूटता है हमेशा साइन कॉस बटे साइन के रूप में इंटू, ये जब कॉसेक ऊपर जाएगा तो साइन 4θ के रूप में ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 cos θ है, यहाँ पर 1 cos θ है, तो 1 cos θ को हम कैंसिल करेंगे तो 3 यहाँ बच जाएगा। ठीक इसी तरह से 4 है, 1 को तोड़ेंगे तो 3 बच जाएगा, तो ऊपर वाले सेक्शन में हमारे पास बच जाता है यहाँ पर ये साइन थीटा, और ये सेक्शन हमें बचेगा कॉस क्यूब थीटा, प्लस उसी तरह से कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, इतना मिल गया हमें। अब क्या करते हैं कि देखिए, साइन थीटा, इसके पास 1 sin θ, इसके पास 3 sin θ, इसके पास 1 cos θ, इसके पास 3 cos θ, तो हम दोनों सेक्शन से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को जब कॉमन करेंगे तो इसके पास इसका साइन कॉमन आ गया, इसके पास 3 cos θ था, 1 कॉमन लिया तो 1 बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह से इसके पास 1 sin² θ कॉमन बच गया। ठीक है, ये आइडेंटिटी का फार्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 मिलता है हमें, तो इसके जगह इसका वैल्यू जब रिप्लेस करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1, तो इस तरह से हमें रिजल्टिंग वैल्यू मिलेगा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस तरह से ये LHS हमें RHS के बराबर मिल जाएगा, ये प्रूव होता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारे लिए है कि 1 - tan²θ बाई 1 + tan²θ बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करके दिखाना है। तो LHS लेते हैं हम, LHS के रूप में हमारे पास है ये 1 - tan²θ। अगर यहाँ पर ऊपर वाले सेक्शन को जरा हम तोड़ते हैं, टेन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है, बटे ये 1 + tan²θ को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। अगला स्टेप है कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यानी ये LCM के रूप में आ जाएगा हमें कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे ये नीचे वाले सेक्शन में हमें सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा। ठीक है, अगला स्टेप, तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक का इसके साथ गुना होगा, सेक जब ऊपर जाएगा तो देखिए कन्वर्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक, जब ऊपर जाता है तो ये कॉस के रूप में टूटता है, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल, तो इस तरह से हमें मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो हमारा RHS भी है, तो इस तरह से LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। अगला सवाल है हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये प्रूव करके दिखाना है कि ये कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 + sin θ का होल स्क्वायर है। जस्ट एक और सवाल है, ये आर एस अग्रवाल का 20 का दूसरा सवाल है, इससे पहले 20 का मैंने 20 नंबर क्वेश्चन का पहला भी बताया है, ये दूसरा है, तो ये सवाल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड में एक दो बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। हम लोग LHS लेते हैं, LHS के रूप में हमें है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये इतना प्रूव करना है, तो इसे लेते हैं। तो सेक थीटा ऊपर वाले सेक्शन में गौर से देखिए, सेक थीटा है तो सेक को लिख सकते हैं 1 cos θ, ऊपर है हमारे पास माइनस का साइन है, फिर से टेन थीटा है, टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर से उसी तरह से नीचे वाले सेक्शन को तोड़ेंगे 1 cos θ
प्लस फिर से इसे तोड़ेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा के रूप में, ये टूट गया प्लस सॉरी इक्वल। ऊपर वाले सेक्शन को एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के रूप में हमें कॉस थीटा मिलेगा। तो इस तरह से दोनों के पास लाइक टर्म है इसलिए ऊपर वाला सेक्शन कुछ इस रूप में हमें मिलेगा, नीचे भी दोनों लाइक टर्म है तो वन प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा मिलेगा। ये कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमें ऊपर वाले सेक्शन में मिलेगा वन माइनस साइन थीटा बटे वन प्लस साइन थीटा। कंप्लीट इतना आया। अब सवाल में ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर हमें वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर नीचे चाहिए यानी ये सेक्शन नीचे चाहिए, तो इस सेक्शन का हम लोग ऊपर नीचे रेशनलाइज जब करेंगे, यहाँ माइनस का साइन है तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है बराबर। तो ये हमें मिलेगा ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ये हमें मिल जाएगा वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बराबर। ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला से हमें मिलता है कॉस स्क्वायर थीटा और बटे नीचे का सेक्शन हमें जस का तस मिल जाएगा। और इस तरह से हम लोग प्रूव कर दिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अगला सवाल है हमारे लिए कि रूट अंडर वन प्लस साइन थीटा, रूट अंडर वन प्लस साइन थीटा बाई वन माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये सवाल है, ये सवाल वीवीआई टाइप का है चूँकि ये एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल और बिहार बोर्ड के बच्चे को हमेशा पूछा जाता है, ये तो खासकर या आईसीएसई बोर्ड के बच्चे में भी पूछा जाता है अक्सर। आईसीएसई बोर्ड वाले के लिए इसी पैटर्न में कम से कम 6 से 7 सवाल उनके एक्सरसाइज में दिया गया है। तो ऊपर नीचे चलिए, तो हमारे पास एलएचएस के रूप में है वन प्लस साइन थीटा बटे वन माइनस साइन थीटा। इसे बनाने का एक तरीका सबसे पहले ये है कि जब भी रूट वाला सवाल मिले हमारा फर्स्ट काम होगा कि इस रूट को कैसे भी हो सके ब्रेक करना है। तो हम लोग नीचे वाले सेक्शन को रेशनलाइज करेंगे, वन प्लस अपोजिट साइन से करते हैं वन प्लस साइन थीटा, यहाँ प्लस माइनस था तो ऊपर नीचे प्लस से किए, ठीक है। अगला स्टेप कि तो ऊपर नीचे दोनों प्लस में मिला तो इस तरह से हमें मिलेगा वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे नीचे वाला सेक्शन ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ये हमें मिलेगा रूट अंडर फिर से वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे ये सेक्शन टूट के आएगा कॉस स्क्वायर के रूप में। अगला स्टेप है कि ये अब दोनों का हम लोग स्क्वायर को अगर कॉमन कर ले, चूँकि दोनों के पास स्क्वायर है वन प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसके ऊपर से रूट अंडर है, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो रूट का काम ख़त्म। हमारे पास बचा वन प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इस तरह से इतना आया। अब क्या करेंगे कि इस ये प्लस के रूप में इस कॉस को एक बार वन के साथ एक बार साइन के साथ यानी ब्रेक करेंगे स्प्लिट करेंगे तो ये हमें मिलेगा वन प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फिर से जब आप एलसीएम लीजिएगा तो यही सेक्शन फिर से आ जाएगा, तो वन प्लस कॉस थीटा यानी कॉस जब ऊपर जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा सेक थीटा के रूप में और साइन बटे कॉस हमें मिलता है टेन थीटा। और इस तरह से हमारा एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया, इस तरह से हम इसे प्रूव कर लेंगे। तो इस तरह से एलएचएस हमारा आरएचएस के बराबर आ गया। अगला सवाल है, ये भी वीवीआई सवाल है। अगला सवाल है हमारे लिए कि रूट अंडर वन प्लस कॉस थीटा बाई वन माइनस कॉस थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा बराबर टू कॉसेक थीटा, ये प्रूव करके दिखाना। तो सबसे पहला काम है कि इस दोनों के रूट को ठीक उसी तरह से ब्रेक करना। इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग रेशनलाइज के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। तो वन प्लस कॉस थीटा बटे वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा यानी नीचे वाले सेक्शन से ही ऊपर नीचे हम लोग गुना करेंगे, यहाँ प्लस का साइन है प्लस रूट अंडर वन माइनस कॉस थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा बटे वन माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुना करेंगे, नीचे वाले सेक्शन को ही रेशनलाइज करेंगे यहाँ पर हम लोग। वह स्पेशल केस होता है कि ऊपर वाले सेक्शन को कभी कभी हम लोग को रेशनलाइज करना पड़ता है। तो ये हमें मिल जाएगा वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे ये ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस रूट अंडर
ठीक है। इसी तरह से ये हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे फिर से ये हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला स्टेप रूट अंडर, ये हमें जस्ट का तस मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमें ये सेक्शन हमें साइन स्क्वायर थीटा के रूप में मिलता है प्लस रूट अंडर। ठीक उसी तरह से 1 माइनस कॉस थीटा बटे ये हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों के पास स्क्वायर है, दोनों सेक्शन के पास स्क्वायर है तो स्क्वायर को जब हम कॉमन करेंगे पिछले वाले सेक्शन की तरह 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस रूट से ये कैंसिल, इस रूट से ये कैंसिल। तो इस तरह से पहला तो हमने ब्रैकेट को ब्रेक कर लिया। दूसरा स्टेप ये होगा कि हमें यहाँ पर मिला 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस यहाँ पर मिला 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब दोनों डोमिनेटर लाइक टर्म के रूप में है तो हम यहाँ पर इसको कॉमन करेंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा ही मिलेगा। तो ऊपर हमें मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, ये प्लस माइनस कैंसिल तो 2 बटे साइन थीटा और साइन जब ऊपर जाएगा तो 2 कॉसेक थीटा के रूप में ये ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एलएचएस आरएचएस के इक्वल मैच करेगा। तो इस तरह से हम प्रूव कर लिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव। अगला सवाल है हमारे लिए कि कॉसेक क्यू थीटा सॉरी कॉस क्यू थीटा प्लस साइन क्यू थीटा बाई कॉस थीटा बटे प्लस साइन थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ भी साइन क्यू थीटा होगा, साइन क्यू थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर टू, ये एल एच एस को आर एच एस के इक्वल करना है। ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो हम लोग लेते हैं सबसे पहले कि एल एच एस सेक्शन, ये हमारे पास पूरा एल एच एस का सेक्शन है। तो ये गौर से देखिए, ये फार्मूला पूरा आइडेंटिटी का फार्मूला है, ये ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है ये हमें मिलता है, ये थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। ए क्यू प्लस बी क्यू हमें मिलता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है। और माइनस का साइन होगा तो यहाँ माइनस, यहाँ तो प्लस ही होगा, ये भी प्लस हो जाता है अगर माइनस होता है। तो इस तरह से तोड़ेंगे इसे तो ये टूटेगा ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में, यानी ए प्लस बी यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय, ये पूरा का पूरा सेक्शन एक सेक्शन ही है। तो ये टूटेगा, ये नीचे का सेक्शन तो नीचे ही रहेगा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये एक सेक्शन इतना टूटा। ठीक उसी तरह से इस सेक्शन को जब हम तोड़ेंगे तो प्लस, मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि आगे स्पेस कम है, चाहे इस सवाल को काट ही देते हैं, प्लस ये फिर से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यानी ए क्यू माइनस बी क्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इस तरह से टूटा। और नीचे वाले सेक्शन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अवेलेबल था तो जस का तस हो जाएगा। तो इस तरह से ऊपर का सेक्शन ये कैंसिल, ऊपर का सेक्शन ये कैंसिल, तो इस तरह से ऊपर नीचे कुछ वैल्यू कैंसिल हो गए। फिर से एक आइडेंटिटी का रूल यहाँ पर आएगा, रूल क्या आएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हमें मिलता है 1 और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये जस का तस ये इतना आ गया हमें। फिर से प्लस का साइन है प्लस, ये पूरा का सेक्शन ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें 1 मिलता है प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कंप्लीट। अगला स्टेप है, ये देखने में ही बड़ा सवाल था, ब्रैकेट को हटाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये पूरा का सेक्शन इस पूरे सेक्शन से कैंसिल क्योंकि ये माइनस में प्लस में है। तो इस तरह से 1 प्लस 1 हमें 2 मिल गया, ये सवाल सॉल्व हो गया, कंप्लीट है। ये सवाल एक बार सीबीएसई के 2009 के और कंपार्टमेंट वाले को अक्सर पूछा जाता है। हमारे पास है कि साइन थीटा बटे कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉट थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2, ये प्रूव करके दिखाना है हमें। एलएचएस लेते हैं, एलएचएस है हमारे पास साइन थीटा बटे इस कॉट थीटा को लिख सकते हैं
कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस इस कॉसिक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, फिर से ये माइनस का साइन, फिर से साइन थीटा जिसका तस बटे कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस, और ये साइन को हम लोग साइन ही लिखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा लिख नहीं सकते। हमारे पास है यहाँ गौर से देखिए थोड़ा सा सिली मिस्टेक हुआ, यहाँ पर साइन थीटा नहीं कॉसिक थीटा ही होगा, और फिर से इस कॉसिक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, कंप्लीट है। अगला स्टेप क्या होगा कि साइन ऊपर का साइन में कोई चेंजिंग नहीं, नीचे वाले का डोमिनेटर सेम है, तो हमें साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ये हमें मिलेगा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा यहाँ जस्ट का तस्त बटे, ठीक इसी तरह से हमें यहाँ मिलेगा कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा जब इसका एलसीएम आएगा। तो अगला स्टेप कि ये ऊपर जाएगा यानी इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1। ठीक उसी तरह से अब ये साइन थीटा जब ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे मिल जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 यानी एक प्लस में एक माइनस के रूप में। चलिए अगला स्टेप है कि बराबर अगला स्टेप में हम क्या करेंगे कि अब गौर से देखिए यहाँ पर कॉस थीटा प्लस 1 है, ठीक है, तो इसे जरा हम अरेंज करते हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर को साइन ही लिखते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, चूँकि प्लस में है इधर उधर कर सकते हैं साइन को। एक चीज़ यहाँ देखना है कि यहाँ पर हमें मिल रहा है कॉस थीटा माइनस 1, लेकिन और डोमिनेटर यहाँ पर यह है 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसे जब इसका हम साइन जरा बदलेंगे तो अगर हम चाहते हैं कि 1 पहले, जैसे 1 को अगर हम पहले लिखें तो कुछ इस रूप में, अगर हमें कुछ इसे लिखना हो तो इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास है कॉस थीटा माइनस 1, इसे अगर ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, अगर इसमें हम माइनस के साइन के साथ गुना करें तो ये हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस फिर से प्लस माइनस माइनस यानी ये हमें मिल जाएगा, तो जब माइनस के साथ जब उसका गुना होगा तो ये साइन भी बदलेगा, ठीक है, तो ये माइनस में है तो ये प्लस में साइन थीटा बटे ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, कंप्लीट है। अब क्या करेंगे दोनों सेक्शन अलग अलग हमें मिला, एलसीएम लेंगे इस सेक्शन का, तो एलसीएम लेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस वाले सेक्शन से प्लस वाला सेक्शन कैंसिल, ये माइनस का टर्म बचेगा यानी साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर हमें मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा, कंप्लीट, चूँकि एलसीएम लेने पर 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा ये बचेगा, इससे इस पूरे सेक्शन का गुना होगा। अगला स्टेप में मल्टीप्लीकेशन करेंगे ऊपर वाले टर्म में, लेकिन नीचे वाले सेक्शन में एक चीज़ ध्यान रखना है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा यानी ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो दो काम इस स्टेप में क्या होगा, साइन से 1 का गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन को कॉस से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, फिर से इसी तरह से साइन का 1 से गुना होगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बटे नीचे वाले सेक्शन में ये सेक्शन, ठीक है, ये सेक्शन टूटेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में, चूँकि ये माइनस भी होता है। अगला सेक्शन है कि देखिए ये पूरा का सेक्शन प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा दोनों प्लस में, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे ये 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है ये भी कैंसिल, इस तरह से हमें ये 2 मिल गया, LHS इक्वल टू RHS। इस सवाल को आप 2-3 में बनाइएगा क्योंकि ये कंपार्टमेंट एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, आपके पास अभी कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर।